कारवां टीवी हर पल आपके साथ। सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलने के मामले में संजय लाठर ने साधा योगी सरकार पर निशाना। बरेली समाजवादी पार्टी के भोजीपुरा से विधायक और सपा में रहे पूर्व मंत्री शहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बीडीए द्वारा बुलडोजर से गिरा जाने के मामले में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल के सदस्यगण संजय लाठर, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ओमकार सिंह यादव, पूर्व मंत्री कमाल अख्तर, विधायक पूर्व और मंत्री प्रवीण सिंह एरन, पूर्व सांसद भगवत शरण गंगवार, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी वीरपाल सिंह यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद शमीम खा सुल्तानी महानगर अध्यक्ष सहित पूरे प्रतिनिधि मंडल सर्किट हाउस में पहुंचे। जिला अधिकारी शिवा कांत द्विवेदी और एसएसपी रोहित सिंह सजवार से मिले। पेट्रोल पंप गिराने के मामले में पूरी बात की, एक ज्ञापन भी दिया, जांच कर कार्रवाई की मांग की। उसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी सर्किट हाउस से चले गए। उसके बाद पूरा प्रतिनिधि मंडल परसा खेड़ा में शहजल इस्लाम के गिराए गए पेट्रोल पंप पर पहुंचे, इसकी जांच की और पूछताछ की। उसके बाद सभी सर्किट हाउस वापस आ गए। 2 बजे प्रेस वार्ता के दौरान संजय लाठर विधान परिषद सदस्य ने बताया कि सरकार ने आतंक और दहशत फैलाने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सपा विधायक शहजल इस्लाम का पेट्रोल पंप नियमों के विरुद्ध तोड़ा है। प्रतिनिधि मंडल जिसकी जांच करने के लिए आया है और मौका मुआयना किया, अधिकारियों को बुलाकर उनसे बात भी की है। स्थानीय लोगों से बात करने और मौका मुआयना करने और कागजात देखने के बाद प्रतिनिधि मंडल का ये कहना है कि बरेली में बीडीए की तानाशाही चल रही है। 195 अवैध कॉलोनियां बीडीए के अधिकारी रिश्वत लेकर चला रहे हैं। 80% पेट्रोल पंप की कंपाउंडिंग अभी नहीं हुई है। हॉस्पिटल, कॉलेज, बड़े बड़े प्रतिष्ठान प्राधिकरण के संरक्षण में चल रहे हैं। प्राधिकरण तानाशाही करके काम कर रहा है। प्राधिकरण ने कई हजार नोटिस दे रखे हैं लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं की है। पेट्रोल पंप सरकारी कंपनी का है और पेट्रोल पंप को सभी एनओसी मिलने के बाद ये पेट्रोल पंप शुरू हुआ था। विधायक शहजल इस्लाम ने 10 लाख रुपए जमा किए नक्शा पास कराने को, लेकिन बीडीए ने नक्शा पास नहीं किया। जब टेम्परेरी व्यवस्था पर कच्चे निर्माण पर पेट्रोल पंप चल रहा था, उसमें कोई पक्का निर्माण नहीं है, तब भी उसे तोड़ दिया है। सपा भाजपा की भी जांच करवा रही है कि भाजपा ने कितने अवैध निर्माण करवाए हैं। आज सरकार आतंक और दहशत फैला रही है, हम सदन में इसे पुरजोर से उठाएंगे। सीलिंग की जमीन पर डीएम एनओसी नहीं देता है। डीएम मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि हमने टेम्परेरी एनओसी दी थी। साथ ही संजय लाठर ने कहा कि ये सरकार निर्दयी सरकार है, सरकार लोगों को डराकर दहशत में रखना चाहती है, इसलिए बुलडोजर चला रही है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो। क्या कुछ कहा सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बरेली से कारवा टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। और इन्होंने 10 लाख रुपए जमा कराए, नक्शा पास कराया के लिए कहा, उसके बावजूद नक्शा पास नहीं हुआ, बगैर नोटिस दिए, क्योंकि 5000 नोटिस है। बीडीए ने अभी तक 5000 नोटिस दे रखे हैं लेकिन तोड़ा किसी का नहीं। यहाँ भी क्योंकि स्थायी निर्माण नहीं था, इसलिए जो तोड़ा है सील किया जा सकता था, ये अनाधिकृत तरीके से तोड़ा गया है। जो दूसरे पेट्रोल पंप चल रहे हो, किसके संरक्षण में चल रहे हैं, उसकी जांच कराओ। जो अधिकारी जिम्मेवार है जो तोड़ने के लिए और दूसरों को चलाने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे बताएं। ये मैंने उनको निर्देश दिए, मैंने उनको निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा हम कार्रवाई करके आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कार्रवाई करके आपको बताएंगे और मैंने उनको ये भी बताया है, हमारा ये पत्थर यहाँ तक सीमित नहीं है। हम इस पत्थर के एवज में विधानसभा के दोनों सदनों में क्वेश्चन भी लगाएंगे कि फला पत्थर दिया गया था, उस पर आपने क्या कार्रवाई की तो क्या की, नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है, कारवां टीवी हर पल आपके साथ।